नमस्कार दोस्तों, एमटा टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर? और जब हर तरफ टेक्नोलॉजी कंपनीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसे में एमटा टेक्नोलॉजीज में ये हमें देखना पड़ेगा कि इस बार के नंबर कैसे रहे हैं। क्योंकि देखिए, उम्मीदें कम हैं, यानी कि कोई बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। और इसके उलट, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक बड़ी तेजी शायद हमें कल स्टॉक में देखने को मिले। तो आप विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको रिजल्ट एनालिसिस की तरफ। देखिए एमटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और आज आप देखेंगे, नीचे हम थोड़ा चलते हैं। पता नहीं दोस्तों, इन लोग प्रिंटिंग क्यों इतनी गंदी करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आप रिजल्ट दे रहे हो, एटलीस्ट उसकी तो प्रिंटिंग अच्छी कर लो यार, बहुत ही गंदी प्रिंटिंग है। तो थोड़ा ध्यान से हमें इसे एनालिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये बोरिंग पार्ट हो सकता है, बट कोशिश करूंगा कि आपके साथ अच्छे से एनालिसिस कर सकूं। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं ये मिलियंस में, तो हमें एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में देखेंगे तो 125.8 करोड़ की रही है इस बार रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट, जो पिछले क्वार्टर में 90 करोड़ थी और एक साल पहले ये 91 करोड़ थी। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छी खासी जंप है ये दोस्तों। अदर इनकम अगर आप देखेंगे तो ये इस बार 5 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 3.8 करोड़ थी और एक साल पहले 2.5 करोड़ थी। अब बात करें टोटल इनकम की तो दोस्तों 1,312.64 है, लेकिन ये मिलियन में तो ये 131 करोड़ हो जाएगी, जो पिछली बार मात्र 94 करोड़ थी। क्वार्टर एंड क्वार्टर जबरदस्त जंप है, और एक साल पहले ये 93.8 करोड़ थी, यानी यहां पे आपको शानदार जंप देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं भाई देखने में क्या खर्चे देखते हैं दोस्तों, कि खर्चे इस प्रकार के। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इस बार है 61 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ थे, यानी खर्चे बढ़े हैं यहाँ पे जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल आई है। चेंज इन इन्वेंट्रीज देखेंगे तो ये पॉजिटिव रहे 31, जो पिछले बार पॉजिटिव 90 थे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखेंगे दोस्तों तो ये 20.8 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 18.6 था। ठीक है, क्योंकि ये मिलियंस में इसीलिए ऐसा कह रहा हूं मैं। बात करें अदर एक्सपेंसेस की, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ट्रेवल चार्जेस हो चुके हैं, अब मीटिंग आप कह लीजिए जो ऑन लोकेशन जाके लेनी पड़ती है, तो खर्चे बढ़े हैं। और देखिए कैसे बढ़े हैं, जो 11.9 करोड़ रहा है, लगभग 100 आप कह सकते हैं 12 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 12.5 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये गिरावट आप कह सकते हैं दर्ज की गई है। और जब आप इन सबको मिलाते हैं दोस्तों, फाइनेंस कॉस्ट जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 97.8 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 72.3 करोड़ थी, यानी खर्चे यहाँ साफ साफ विजिबल है। लेकिन देखिए आपके बिजनेस भी बढ़े हैं तो खर्चे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि टोटल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एमटार ने क्या दी है, तो ये दी है दोस्तों 25.3 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 16.5 थी। ये फेनोमिनल रिजल्ट है दोस्तों, शानदार रिजल्ट है। और आप ईपीएस देखिए तो 5.34 से बढ़ करके 8.19 हो गए। डाइल्यूटेड ईपीएस अपन देखेंगे, शानदार तेजी है दोस्तों। ये मतलब जो भी उम्मीद है उसके विपरीत कंपनी ने शानदार नंबर पेश किए हैं दोस्तों। ठीक है, कल मुझे लगता है एक बड़ी तेजी आप मिस कर सकते हैं। तो यदि आपको ये एनएस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।